वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज हमारा एक तरह से राइट स्टार्ट होता है, हमसे मूव करते हैं उधमपुर से। कल बहुत ज़्यादा थक गए थे, कल फटाफट से नो 8 बजे के आसपास खाना वाना मंगाया, 8:30 बजे तक खा पी के 9 o'clock हम यहाँ पे सो गए थे, सो दैट हमको अच्छी सी नींद मिल सके, फ्रेश हो सकें नेक्स्ट मॉर्निंग की, मतलब आज की राइड के लिए, क्योंकि आज थोड़ा और ज़्यादा हैक्टिक होने वाला है। अराउंड 278 किलोमीटर है, कंप्लीट हिली आपका राइडिंग होने वाली है यहाँ पे। सो यहाँ से उधमपुर से हमें सोनमर्ग जाना है, जो अराउंड 278 किलोमीटर दिखा रहा है, तो वाया श्रीनगर होते हुए जाएंगे, बट माइट बी सम कंस्ट्रक्शन हो तो रूट जो है डाइवर्टेड हो सकते हैं, पर स्टिल अब निकल चुके हैं तो कंप्लीट तो करना ही बनता है ना। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, ब्रेकफास्ट रास्ते में ही कर पाएंगे यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ पे करेंगे तो टाइम लग जाएगा, बहुत सारे टाइम लगाते हैं। तो मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ, दिव्य भाई भी नीचे पैकिंग कर रहे हैं, मैं बस पैकिंग करने जा रहा हूँ, तो उसके बाद 5-10 मिनट्स के अंदर हम रेडी होकर यहाँ से निकलते हैं। और थैंक यू उधमपुर फॉर अ वंडरफुल स्टे एंड नाइट। अब बस यूज करता हूँ। मैं प्योर दिल्ली से। अच्छा अच्छा हाँ जी सर। सर ओके जय हिंद सर। तो अभी यहाँ पे हमने हॉल्ट करा है, अपने उधमपुर से थोड़ा सा और आगे निकल गए थे, एंड अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आके अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सो इट वॉज यू नो, पहले जब मैं 2 साल पहले आया था तब उधमपुर में रोड बन रही थी, बट नाउ इट इज़ अमेजिंग अमेजिंग रोड मैन, सीरियसली आपको मैं। सो ये जो रोड है ये आने का है वो जाने का, मतलब 4-lane highway बना दिया है, इट इज़ अमेजिंग यार, ग्रेट जॉब मोदी जी, बहुत अच्छा काम करा है आपने, जो भी आप काम कर रहे हैं इट्स रियली अमेजिंग यार। मतलब ऐसा आपके आने से पहले कुछ नहीं था ये, मतलब ये कंस्ट्रक्शन हो रही है डेफिनेटली आपके ड्यूरेशन। अब वहाँ से आए, मतलब अमेजिंग हाईवे बन चुका है पूरा यार, ये उधमपुर से आपका सोनमर्ग श्रीनगर जाने के लिए मक्खन रोड है, बिल्कुल अमेजिंग मैन। मतलब लास्ट टाइम आए थे तो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही थी, बट नाउ इट्स ऑल सॉर्ट आउट, रोड इज़ रियली रियली ऑसम। तो अभी मौसम की जानकारी में, तो धूप है, हल्की गर्मी है, बट हाँ जब आप राइड कर रहे हो, जब आपकी गाड़ी चल रही है, डेफिनेटली आपको अच्छा लग रहा है, हवा ठंडी है, बट जैसे जैसे धूप पड़ती रहेगी तो ठंडक भी कम होती रहेगी, बट तब तक हम मोस्ट प्रोबली श्रीनगर तक पहुंच पाएंगे, बट श्रीनगर में काफ़ी धूप रहती है, गर्मी रहती है, तो आई होप वी कैन यू नो जल्दी से जल्दी उसको पास करके आगे सोनमर्ग वाले एरिया को टच कर सकें, पहाड़ को टच कर सकें। तो अभी ब्रेकफास्ट करता हूँ, हाँ ब्रेकफास्ट में वही नॉर्मल है, आलू प्याज चाय लेके और निकलते हैं, लाइट रखो ताकि नींद कम आए और एनर्जेटिक भी रहो। तो अभी बहुत बड़ा लोचा हो चुका है, लोचा ये है कि जब हम बीच में ब्रेक पर रुके थे तो वहाँ से एक बहुत बड़ा आर्मी का नो कैरवान निकला, एंड अब वो निकला है तो जो मेन हाईवे है वो पूरा ब्लॉक हो रखा है, क्योंकि जब तक वो पूरा क्लियर नहीं हो जाएगी रोड तब तक जो नॉर्मल सिविलियंस को आगे नहीं निकलने दिया जाएगा। ट्रैफिक है, ये ओल्ड श्रीनगर वाले रूट से जा रहा है, जो यहाँ से जाके छोटी सी रोड है, और उसके बाद जो मेन हाईवे है वो सीधा स्टार्ट हो रखा है वहाँ पे, तो वो रूट पे हम नहीं जा रहे हैं, तो जैसे वो स्टार्ट होगा फिर हम वहाँ पे जाएंगे। तो अब मुझे लग रहा है वो रूट टूटना चाहिए, हम वहाँ पे जाते हैं पावे टेक के। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो भी हमने अनंत मीर बाज़ार में, और ये मीर बाज़ार है अनंतनाग, थोड़ा सा दूर है, वहाँ पे ब्रेक लिया है और है जो ऑर्डर करा है अभी चाय हैं इन सब के, आप देख सकते हो
कितना खाने के बाद इनका पेट, इसका पेट ही देखो, इसका तो छुप रहा है। मेरा पेट तो मतलब ढाबे का मतलब आज में चेंज हो गया है। हाँ पहले कुछ और था, पहले ढाबे का मतलब होता पेट भी ढाबा ही है, दाल तड़का और राजमा बस, और साथ में प्याज और मूली और खीरा कटा हुआ। आज के डेट में ढाबे का मतलब चेंज हो गया है, वो सुखदेव ना उन्होंने जो चेंज किया, इसे पोस्ट जरूर करिए, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। और वहाँ पे जाके मैं जो वो वहाँ पे जो टूरिस्ट जा रहा है वहाँ पे उनकी औरतों को छेड़ रहे हैं और वहाँ पे मार पिटाई कर रहे हैं, तो ऐसा तो सीरियसली ऐसा होता है। आप ढाबे को फाइव स्टार कैसे बना सकते हो, ढाबा समथिंग एल्स भाई। वनिता बॉयकट करना चाहिए, लेकिन क्या है ना दिल्ली एनसीआर में लोग वो था बहुत लड़ाई हुई थी भाई, फॉर अ चेंज आई एम हैविंग टी। फाइनली यू आर हैविंग टी, यस फॉर अ चेंज। तो गाड़ी में बैठ के तो काफी सारे पैक से हुए होंगे दर्पण जी के। हां ये पहला है आज सुबह से चाय का पैक की हो गया, प्लेट नहीं है, छोटा सा टेबल है, कहां रखे थे ये छोले ले आए थे क्या आप लोग भाई, अगर पोटा खाना गर्म करवा दे बढ़िया मजा आ जाएगा। अभी मजा आया, अब खा पी के यहाँ से निकलते हैं, आज सोनमर्ग टाइम से पहुँच जाएंगे हम सारे। नहीं हम जल्दी पहुँचे, हम दो घंटे में कवर करेंगे इसको, आज दूसरी बार हो रहा है सोनमर्ग में देर। ऐसा है बहुत ज्यादा बात लग गई है और इतना ट्रैफिक जाम है यहाँ पे, और कंस्ट्रक्शन हो रही है कारवां और मोमेंट ऑफ आवर आर्मी, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन बढ़ चुके हैं यहाँ पे। तो श्रीनगर अभी 69 किलोमीटर रह गया है, धूप बहुत तेज़ है रियली, और बम पे भी बम हो चुका है इस टाइम, बम पे बैठना भी बहुत भारी पड़ रहा है। आ जाओ हल्का सा देना अंदर, कैंसिलेशन सेंटर ऊपर, तो वो ऊपर सारे लिखे होंगे रोड, आपको दिखेंगे छोटा सा ग्लिम्स। तो यहाँ से हम निकल जाते हैं अंदर से कट लेते हुए, अब ये रोड बन चुकी है और ये ट्रक ओवरटेक देता हुआ मेरे को, और अब मैं इसको ओवरटेक देने के लिए तैयार हूँ। बस मैंने नॉस लगा लिया है गाड़ी के अंदर अपनी, एंड नाउ आई विल शूट इट नाउ इन वंस, सो यू कैन सी मैन सो मैनी। वो देखो फिर एक और मिलिट्री ट्रक खड़ा हुआ है वहाँ पे। सो अभी हम निकल रहे हैं, एक एमरजेंसी रनवे है ये, जो अराउंड 2 से 3 किलोमीटर पड़ता है, जो अनंतनाग टू श्रीनगर वाले रूट पर मड़ जाए आपको ये मिलेगा। तो बहुत ही ऑसम रूट बना हुआ है ये, मतलब सोचो हाईवे के हाईवे है और एमरजेंसी लैंडिंग भी है फॉर फ्लाइट्स। ठीक है यार चलता है तो मज़ा आता है, ये तो फन होता है और ट्रिप में और क्या होता है। मुझे अच्छे से पता है लास्ट टाइम हम यहाँ पे वेट कर रहा था मैंने और अंकित ने, मेरे ख्याल से आप यानी आगे थे या पीछे थे कहीं पे। व्हाट अ व्यू मैन यहाँ पे। तो सोनमर्ग जाने का अनदर रास्ता है जस्ट बाईपास द सिटी, तो हमने कहा इस रूट से जा रहे हैं। और इस टाइम मौसम बताऊं तो बहुत अच्छा है, इस टाइम पे ना हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ है यहाँ पे विंड, सो ऑल टुगेदर मज़ा आ रहा है। अब आगे चलते हैं यहाँ से हम। सो फाइनली हम सोनमर्ग पहुँच गए हैं, हमने रूम मिला, बहुत थोड़ा कॉस्टली पड़ गया रूम, बट नो प्रॉब्लम। एक्चुअली हमने यहाँ पे 9 बजे चेक इन करा, क्योंकि हम पता नहीं कैसे लेट हो गए हम, बट अभी जैसे सोचा था वैसे तो नहीं हुआ, बट ऑल टुगेदर इज़ गुड एक्सपीरियंस। तो हम रुके हैं यहाँ पे, जो हमारे होटल का नाम है, इस होटल नेम होटल सोनमर्ग ग्लेशियर। ये पूरी लॉबी है यहाँ पे, दिस इज द पार्किंग एरिया, और वहाँ पे दोस्तों का दिखाओ ये मेरे दोस्तों का है, मतलब हद होती है इन लोगों की। पापी ये अंदर नहीं ले रहे तुम, इकट्ठे 5 ही ले रहे हो। पहले और लोग आए शोर हो, लेट मी शो यू दिस रूम।
तो ये रूम में थोड़ा सा 6000 समथिंग कवर्ड्स ओवर हियर, हमारा सामान बिखरा पड़ा है यहाँ पे। एंड दिस इज अ बाथरूम, अ बिग गुड ह्यूज बाथरूम, कैन सी खोल के रखो। एंड दिस इज अ पूल बिग बेडरूम ओवर हियर। अच्छा है, बड़ा है रूम, स्पेशियस है। एंड और क्या बोलूँ मैं, स्लीपर्स को मैं इधर ही उतार देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा दिखता है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं दिखेगा क्योंकि कोई व्यू नहीं है यहाँ से। तो अब स्लीप होते हैं यहीं पे अपन। एक्स्ट्रा बेडिंग आ चुकी है मेरी, अब एक्स्ट्रा बेडिंग बिछाएंगे एंड हम सो जाएंगे। कल के लिए, कल की जर्नी और ख़तरा होने वाली है, आज की भी हो गई थी। सो अभी मैं वीडियो भी यहीं पे एंड करता हूँ और कल आपको ले चलता हूँ एक और खूबसूरत सी जगह में। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।